गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच, आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं कि नॉर्मल जो किड्स होते हैं जो स्पोर्ट्स वगैरह नहीं करते या मार्शल आर्ट नहीं करते, और जो कराटे या मार्शल आर्ट्स करते हैं, दोनों बच्चों में क्या अंतर होता है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों की लाइफ स्टाइल कैसे होती है और बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, और वो कैसे कैसे अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर ये छोटी सी एक वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हाय दर्श, हाय टीचर, तुझे पता है आज मैंने एक आदमी की हेल्प की। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन। तू अभी भी इंसान में जिंदा है? या तूने उसकी हेल्प की कैसे? स्टैंड पे एक आदमी की बस छूट गई थी, वो बस के पीछे पीछे भाग रहा था। हाँ, फिर तूने उसकी हेल्प कैसे की? बस कुछ नहीं, एक अपना कुत्ता उसके पीछे छोड़ दिया। कुत्ता उसके पीछे छोड़ दिया। कल सुबह ग्राउंड में मिलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। किस टाइम? 6 बजे। तब तो मैं उठ नहीं पाता हूँ। सुबह उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, उनका सुबह जल्दी उठता है और शाम तक हलाल हो जाता है। अच्छा, बहन से बच्चों। कराटे फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी। इससे हमारी बॉडी फिट रहती है, हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। या तुम जाओ, मैं तो फिर भी खिला लो। मैं तुम्हें जानती नहीं तो मैं कैसे खिलाऊं? अरे इसमें जान पहचान की क्या बात है, थोड़ी देर खेले भी हो जाएगी जान पहचान। बताओ बदतमीज है? बदतमीज तो नहीं है पर तुम्हें लग रहा है। मेरी बॉल दो। बॉल तो नहीं मिलेगी, पहले खेलो हमारे साथ। शांति से मेरी बॉल वापस कर। ले लो। जा बुला ले जिसको बुलाना है, हम नहीं दे रहे तेरे बॉल। बताती हूँ।
यार यार दो बदतमीज लड़कों ने ना मेरी बॉल छीन ली। कहाँ पर? प्ले ग्राउंड में। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हमें नहीं पता था कि लड़कियों में भी इतनी ताकत होती है। आज के बाद हम किसी को भी ऐसे परेशान नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। अब पता चला हम क्यों कराटे करते हैं और क्या क्या फायदा होता है इससे। हाँ अब कल से मैं भी ज्वाइन करूंगी कराटे। अभी स्ट्रांग बनना है।